हनी, यू कैन डू मच बेटर देन दिस। तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से जीनी चाहिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझको होगी। सो प्लीज स्नेहा, अपनी जिंदगी फिर से वैसे ही जियो जिस तरीके से तुम हंसती थी, मुस्कुराती थी और लोगों को जीना सिखाती थी। हेलो, यस, हाँ हाँ, या 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 यस, आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स, या नॉट मोर देन 30 मिनट्स फॉर श्योर, या ठीक है, या ठीक है। स्नेहा प्लीज मेरा एक काम कर देना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ अभी, एक आदमी आएगा वो पार्सल दे देना प्लीज। निखिल मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। बेबी दिस इज द लास्ट टाइम, प्लीज छोड़ दो ये अरे सब। अरे बब्बा छोड़ दूंगा, बोला तो। अच्छा अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, मैं घर शाम को आऊंगा तब हम बात करेंगे, ठीक है? नहीं अभी वो प्लीज वो पार्सल दे देना। चलो अच्छा मैं जा रहा हूँ, प्लीज वो पार्सल दे देना यार से। डंटना कॉफी। थैंक यू। आज ठंड है ना? इसीलिए गर्मा गर्म कॉफी अच्छी लगती है। स्नेहा, निखिल के जॉब का कुछ हुआ? हाँ, इंटरव्यू दे रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। यू नो, मैं सोच रही थी कि तू जितनी जल्दी सेटल हो जाएगी मैं उतनी ही रिलैक्स्ड हो जाऊंगी लाइफ में। माँ आप भी ना। अरे हाँ, वो भाटिया अंकल का फोन आया था फिर से। व्हाट डू यू मीन फिर से? सॉरी तेरे बारे में पूछ रहे थे अपने बेटे के लिए। और आपने क्या बोल दिया? मैंने कहा कि अगले संडे आ जाइएगा बारात लेके। क्या कहा आपने? जोकिंग स्नेहा। माँ आप भी ना। तुझे पता है ना तेरे मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। लव यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोल नहीं रही हो कुछ? कुछ नहीं। बात हुई है कुछ घर पे? कल मम्मी से डिस्कशन हो रहा था। पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। तुम्हारे जॉब के बारे में। और मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। आई एम डूइंग प्रीटी गुड स्नेहा, काफी और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट माई लास्ट इंटरव्यू। सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा जैसा कि हमने सोचा था। निखिल मुझे माँ की चिंता होती है, मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। आई नो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन कब? मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल जाए, माँ का टेंशन खत्म हो जाए, बस दैट्स इट। डोंट वरी बेबी, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा जैसा हमने सोचा था, बस थोड़ा टाइम और। निखिल पिक द फोन, पिक अप द फोन प्लीज, इट्स अर्जेंट निखिल प्लीज। टॉक टू इन द मॉर्निंग, शिट। हेलो यार, एक प्रॉब्लम हो गई है यार। यू वर राइट यार, आई डिड माई सेल्फ प्रेगनेंसी टेस्ट एंड इट्स पॉजिटिव यार। प्रीति प्लीज, मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट। या वी यूज प्रिकॉशंस बट हो जाता है यार, मैं अभी
नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मुझे नहीं पता, प्लीज हेल्प मी आउट। ठीक है, मैं कल तेरे क्लिनिक आती हूँ। ओके चल भाई, थैंक्स यार। Nikhil, please understand. No. I'll do no. anything. Please, no. I'll do anything. Please, please, no, please, I please. Can't. I listen. Need it. I need no, it. No, I cannot give it. I understand. No, okay, I cannot. Understand. No. I just cannot. No. Nikhil? Nikhil, please. Listen, Nikhil. Just leave me now. Nikhil! Sneha! Scene create karne ki zarurat nahi hai. स्नेहा, स्नेहा बेटा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? स्नेहा, स्नेहा बेटा, स्नेहा क्या हुआ? स्नेहा क्या हुआ बेटा? इस तरह नहीं प्रॉब्लम? कुछ नहीं माँ। माँ मुझे लगता है अब हम दोनों को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। देखो बेटा स्नेहा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे तुम लोग सॉल्व कर लो ना। मुझे ऐसा लगता है बेटा कि यू ऑल शुड टॉक ओवर इट, यू नो, क्लैरिफाई थिंग्स। देखो स्नेहा, जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर सकती है ना, उसी तरह इंसान का गुस्सा भी उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। Please, he is trying to talk to you, Sneha. Please take the call. Hello, Sneha. Sneha, बस मेरी एक बात और सुन लो। Please, Sneha, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। I know, हमारे बीच एक misunderstanding हुई थी। I just can't live without you. I just wanna tell you कि I love you. And you, just you. अच्छा, मेरी एक बात। ध्यान से सुनो। मैं आज पुणे जा रहा हूँ। कल afternoon तक आ जाऊँगा। तो मेरे घर के कबर्ड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो प्लीज रात को 12 बजे के बाद चेक कर लेना। लव यू हनी। हेलो, हैप्पी बर्थडे माय लव। आई एम सॉरी निखिल, दैट आई मिसअंडरस्टूड यू। प्लीज स्नेहा, प्लीज डोंट क्राई। इससे बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं दे सकता। और मैं अपनी लाइफ में एक बात बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू लव यू फॉरएवर एंड एवर। एंड आई जस्ट वांट टू सेटल डाउन विद यू एज सून एज पॉसिबल। होप यू ट्रस्ट मी। Yes, yes. मेरे और उस लड़की के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो तुम समझ बैठी थी। मेरा सच सिर्फ मेरा भगवान जानता है। स्नेहा, and I know, if you really love me, you'll trust me. I trust you, Nikhil.
मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज मेरे लिए? लेकिन बर्थडे तो तुम्हारा है। निखिल, I'm pregnant. What? What are you saying? मैं सोच रही थी मैं अबॉर्शन करा लेती हूँ। What? Don't think of aborting the child, okay? We are getting married, Sneha. So please, abort करने के बारे में सोचना भी मत। But wait till tomorrow. सच में निखिल? Love you. Love you too, निखिल. Thank you so much. Thank you so much. और हाँ, कल मंदिर में हम लोग शादी कर रहे हैं, तो अपनी माँ का शादी का जोड़ा रेडी रखना। I gotta go now. Bye. Take care, निखिल. Love you. Love you too. Bye. निखिल, जब देखो तब उसका फोन ऑफ रहता है। क्यों इसका फोन क्यों ऑफ है? निखिल होगा। मैं इसको आज मैं बताती हूँ। निखिल तुमको कितनी बार? मैं इंस्पेक्टर सुरवे। जितनी बार तुम अपने पास्ट को याद करोगी सिर्फ ये आंसू ही निकलेंगे, इससे और कुछ नहीं मिलेगा और ना ही मैं वापस आऊंगा। लेकिन तुम्हें निखिल के बारे में सोचना है। यू हैव टू लुक टुवर्ड्स हिज फ्यूचर, योर लाइफ टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। एंड यस, हैप्पी बर्थडे माय लव। मैं इंस्पेक्टर सुरवे जी। कार पुलिस स्टेशन मधुन आलो है। हाँ जी। क्या आप निखिल सक्सेना को जानती हैं? हाँ, क्यों? कल रात उसका मर्डर हो गया। आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। हाँ बेटा। प्लीज जल्दी से आ जाओ। लव यू सो मच। मम्मा लव्स यू टू बेटा। बाय। <laughs>